दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आदर्श किसान मार्ट पर। आज हम आपके लिए एक नई जानकारी के साथ में हाजिर हुए हैं और आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप घर पर या अपने खेत में भी प्याज की जो सीड है वो तैयार कर सकते हो। पुराना आपके पास में अगर प्याज पड़ा है तो उसको किस तरीके से लगा के आप घर पे तैयार कर सकते हो, वो उसकी पूरी जानकारी देंगे। वीडियो आप लास्ट तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे खेत में हमने बेड बना दिए हैं और बेड की जो चौड़ाई है वो 2 फीट है और ये आप बीच में देख रहे हो ब्लैक कलर का जो पाइप, ये ड्रिप बोलते हैं इसको, और ये 1 फीट पे इनका छेद है, ये 1 फीट पे यहाँ और 1 फीट पे यहाँ। तो इस तरीके से इसमें पानी का जो है वो हम पानी इस तरीके से इसमें ड्रिप से देंगे जिससे कि कम पानी में अच्छी पैदावार होगी और बेड पर लगाने पर उत्पादन भी काफ़ी अच्छा इसमें आएगा। तो आप देख सकते हो खेत में कर्मचारी हमारे काम कर रहे हैं और ये सीड लगाने के लिए अभी जो प्याज है वो लगा रहे हैं। तो आपको बताते हैं कि किस तरीके से सर्वप्रथम इसकी कटाई की जाए और प्याज का साइज़ कैसा हो उसके बारे में बताएंगे। आप देख रहे होंगे अभी ये कटाई चल रही है प्याज के, जो प्याज है उसकी आप देख सकते हो 3:1 में हम इसकी कटिंग कर रहे हैं जो प्याज है उसकी। और प्याज का नॉर्मल जो प्याज घर पे रहता है वो आपको लेना है। और इसमें आप देख रहे होंगे हमारे जर्मिनेशन भी स्टार्ट हो गया है तो अभी उचित टाइम है इसे लगाने का। अक्टूबर माह में आप लगा सकते हो, नवंबर में भी, 15 नवंबर तक आप इसे लगा सकते हो। तो ये कटिंग आप देख सकते हो इस तरीके से आपको करनी है। और इसमें एक जो आपका प्याज है उसमें ये देखो दो, इसमें दो जगह से मुंह निकल गया है तो दो निकलेंगे, इसमें 3 जगह से प्याज में इसका मुंह निकलेगा, ये देख सकते हो इसमें 3 तरीके से, तो अलग अलग साइज़ के हिसाब से इसमें निकलेगा। और इस तरीके से आपको सर्वप्रथम कटिंग करनी है। अब लगाने का तरीका है वो आपको मैं बताता हूँ। आप देख सकते हो सीड किस तरीके से लगाना है, 6-6 इंची पे आपको लगाना है। दो ये आपका आराम से इसमें पाइप लगा दी है और ये देखो आप किस तरीके से लगा सकते हो। और ऊपर मिट्टी डालनी है, एक बेड में 3 लगाने हैं और 6 इंची की दूरी रखनी है आपको, ये आप देख सकते हो। और कई दोस्तों का क्वेश्चन रहता है कि प्याज को काट के क्यों लगाते हैं, अगर आप काट के लगाओगे तो इसमें उत्पादन ज़्यादा होगा और पर प्लांट कम से कम एवरेज आप 2 और 3 सीड के लिए इसमें से निकलेंगे और उत्पादन ज़्यादा आएगा। अगर काट के लगाओगे तो इसमें उत्पादन 2 से 3 गुना बढ़ जाता है इसमें, इसलिए इसको काट कर लगाते हैं। और ये लगाने के बाद में इसको पानी देंगे और फिर बाद में नेक्स्ट बीच बीच में जो स्टेप आपको बताते रहूँगा मैं कि जर्मिनेशन कैसे आएगा, अगर कोई इसमें खरपतवार है तो वो निकालनी होगी और इसमें कौन से कीटनाशक का यूज़ करें और किस तरीके से इसको हार्वेस्टिंग तक आपको पूरा वीडियो बना के हम बताएँगे। तो आप हमारे YouTube से जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।